press the bell icon for all the updates. आइए और मेरे छोटे से घर को आप लोग देख लीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. आइए. सो प्रिटी. थैंक यू. आइए. ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत लग रही है. एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कलरफुल हूँ तो मैं कलर ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैंने पेंटिंग ले लिया कि कोई भी गेस्ट आए तो पहले फ्लावर्स से स्वागत किया जाए. हाँ. और बाकी चारों तरफ भी देखिए ना, फुल टू एकदम ग्रीनरी एंड ऑरेंज ट्रीज, सब कुछ ऑरेंज. तो बैठो ना प्लीज. कितना सॉफ्ट है. ये इसी मुझे पता था आज आप ऑरेंज पहनोगे. ओह रियली? दिस इज फॉर यू. थैंक यू. बट ये तो देखा देखा सा लग रहा है. ये तो मेरा ही है एक्चुअली. ये यही से उठा मैंने. मुझे मतलब साफ सफाई बहुत पसंद है और मेरे पति को ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो सारे पेड़ पौधे ऑल एवरीथिंग इज डन बाय हिम और मैं मेंटेन करती हूँ. और वो गंदा करता है. अच्छा, तो बिग बॉस हाउस की याद आती है कभी? यू नो वहाँ सब अपने आप से ही करना पड़ता था, कपड़े धोने हो, खाना पकाना हो. बिग बॉस हाउस के वो 3 महीने मेरे लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट दिन है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती. आई थिंक कोई नहीं भूल सकता है. वैसे ना ये बड़े नॉर्मल से सवाल शायद ऑडियंस के भी होंगे कि जो हम कैमरे पे देखते हैं एक घंटे का होता है, राइट? तो बाकी जो 23 घंटे होते हैं उसमें क्या 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 झोल होते हैं घर में, ये बताए कुछ सीक्रेट्स ऐसे शेयर कि कपड़े सच में खुद धोते हैं सेलिब्रिटी? सच में मतलब टॉयलेट वगैरह खुद ही क्लीन करते हैं? और वही तो बात है कि एक ही घंटा सिर्फ दिखाते हैं लेकिन होता है बहुत कुछ. मतलब आज मैं चल रही हूँ और कोई और मुझे देख रहा है कल, तो वो भी एक साथ हो जाता था. अच्छा वैसे बिग बॉस की बात करें तो आप आई हैव फ्यू फर्स्ट एक्सपीरियंसेस क्वेश्चंस फॉर यू. तो आप को बताने की फर्स्ट टाइम व्हेन यू सॉ सलमान. एक्चुअली मैं इस बार मतलब सीजन 10 में जब मैं पहली बार स्टेज पे गई थी, वो सलमान सर को मैंने 3rd time देखा. दैट वाज माय 3rd experience. फर्स्ट एक्सपीरियंस भी बिग बॉस में ही था. मैं सीजन 6 में निरहुआ जी के साथ मैं एक परफॉर्मेंस करने गई थी स्टेज पे, तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. वो उसमें मैं पागल हो गई थी और मैं ना ऐसे कांप रही थी, लिटरली आई वाज शिवरिंग. और मेरे को रिक्शा के ऊपर बिठा दिए थे और मैं एकदम सामने थी, तो मुझे ना ऐसे पीछे होके ऐसे देखना पड़ रहा था सलमान सर को. और उनको भोजपुरी में एक मुझे डायलॉग सुनाना था उनके फिल्म का, थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, प्यार से लगता है. ये डायलॉग मैं भूल गई उनको देख के. मैं दिनेश जी को ऐसे पूछ रही हूँ क्या बोलना है. नर्वस हो गई थी. आई वॉज रियली नर्वस टू सी हिम. एकदम फैन मोमेंट. बट जब फाइनली यहाँ पे जब मिली, आई वॉज वेरी हैप्पी कि उनको वो 4 साल पुरानी बात याद थी. अच्छा, वो दिन याद है जब पहली बार बिग बॉस हाउस एंटर किया? हाँ. तो क्या तब उतनी ही नर्वसनेस थी कि तब खुश थे कि क्या फीलिंग थी? एक तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था कि मुझे जाना है, कब लेके जाएंगे, क्योंकि सुबह से इस बार भी बैठी हुई थी तो जाना कब है कब. और मैं 15th कंटेस्टेंट थी तो मेरा सबसे लास्ट में था, मुझे तो टाइम ही मालूम नहीं क्योंकि सारे वॉचेस वगैरह मोबाइल सारा कुछ ले लिए थे. तो मैं उस समय जब मैं गई, मेरे साथ नवीन जी थे, हम लोग साथ में एंट्री किए थे. जस्ट ऐसा ही लुक एक्सपीरियंस था. तो मैं इतने सालों से मतलब जिस टेलीविजन शो को मैं हमेशा टीवी में देखती आ रही थी मेरे फुल फैमिली के साथ, आज मैं उस घर के अंदर हूँ. ओके, तो पहला वो एक्सपीरियंस याद है जब पहली बार बेडरूम देखा घर का? हाँ, बिग बॉस घर के अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा मतलब फील हुआ कि
जल्दी से सारा कुछ देख लूँ अंदर क्या है। मैं इधर उधर घूम रही थी, मैं बाकी टॉयलेट देख रही थी, जेल देख रही थी अंदर जाके कि क्या है ये है वो। तब तक मैं वापस आके देखी कि वो लोगों ने सारा सॉर्ट कर लिए थे। तो मुझे ही मतलब शेयर करना था रोहन ये और बीच में इतने सारे पिलोस और फिर मैं, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, रोहन इज लाइक ब्रदर। ओके, पहली बार जब लास्टली कन्फेशन रूम देखा? मुझे हमेशा मतलब नहीं मौका मिलता था, मतलब बुलाते ही नहीं थे अंदर, तो मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती थी बिग बॉस क्या है आप मुझे पसंद नहीं करते हो, आप मुझे क्यों कन्फेशन रूम में नहीं बुलाते हैं। पहली बार मैं तब गई जब ओपन नहीं सीक्रेट नॉमिनेशन था, मतलब तो वही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। कन्फेशन रूम में गई, देखा वाह अच्छा है ठीक है, मतलब एक सोफ़ा एंड सामने से एक आवाज़ डायरेक्ट आपसे बात कर रही है, आप उनको देख भी नहीं सकते और आप बात किए जा रहे हो, तो वो था बहुत अच्छा था। हाँ वो ना ऐसे बात करते थे कि लगता था कि नहीं सब ठीक है सॉर्ट है, मतलब वो एकदम समझा के भेजते थे बाहर। एग्जैक्टली वही, यहाँ बहुत ज़्यादा बुक्स दिख रही है। हाँ, शुड वी गो देयर? हाँ वेरी नाइस यार, करीना कपूर माय फेवरेट, शी इज माय फेवरेट, द स्टाइल डायरी ऑफ अ बॉलीवुड डीवा, द स्टाइल आइकन, माय फेवरेट, माय गॉडेस, इज इट? बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुलाकात हुई है कभी उनसे? ऐसे फेम एड लैब्स में वो फिल्म देखने आती थी बहुत टाइम पहले, वो भी उस समय उनके एक्स के साथ। अच्छा इसमें मार्किंग भी किया है? सी ऑब्वियसली जो 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 उनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है तो मैं मार्क करके रखती हूँ, उनके फेवरेट रेस्टोरेंट्स वगैरह सब इतना फॉलो करते हो आप? और फिर उनके ब्रांड्स, एक मतलब सनग्लास भी वो ब्लैक कलर की हमेशा मैंने देखा है वो पहनती है, मैंने वैसा सेम लिया जब उन्होंने वो ऐड किया था वायो का लैपटॉप, मैंने वो इमीडिएटली वो खरीदी थी। हाँ अच्छा, फिर वो फेवरेट मूवी कौन सा है? वन एंड ओनली जब वी मेट, एक डायलॉग तो बनता है। हाँ क्यों नहीं, रेलवे स्टेशन पे जब वो एक बुड्ढे के साथ, I'll be the Buddha. Okay, चलो. हाँ, ठीक है. देखो बेटी, एक लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, आपके साथ क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूँ, आपके साथ क्या हो सकता है। एक्सक्यूज मी, ये जो आप ज्ञान मुझे दे रहे हैं ये ऐसे ही दे रहे हैं कि इसका चार्ज कर? नहीं, ये तो मुफ्त का ज्ञान, क्योंकि चिल्ला नहीं है मेरे पास। वो डर गई मैं आगे बड़ी बड़ी करके, सो आगे देखें हम आपका बेडरूम देखें। हाँ हाँ प्लीज 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 कम। और ये है मेरा बेडरूम, मास्टर बेडरूम, और ये बेडरूम की बात करें, यहाँ टीवी है तो यहाँ बैठ के ही बिग बॉस देखा जाता है? नहीं, वो मैं बड़े टीवी पे देखती हूँ बाहर, वो भी HD पे। यहाँ पे तो जैसे जब रात में हम लोग रिटायर हो गए तभी उसके बाद कुछ चल रहा है तो कुछ देख लिया, फिल्म देख लिया। ओके ओके, मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, आपको बताना है इस सीजन के कंटेस्टेंट किससे आप यू नो वो रिलेट करते हो, कौन से कंटेस्टेंट। ओके ओके, फर्स्ट इज टीवी कमेंटर। टीवी कमेंटर विकास जी कितना अच्छा, उन्होंने जब ये वकील का टास्क आया था बहुत सही से, मतलब लग रहा था जैसे वो वकील ही है, सो इज अ गुड टॉकर। ओके, गॉसिप कॉलमिस्ट। गॉसिप में तो मैं हमेशा जब भी देखी हूँ तो एक ग्रुप हमेशा दिखता है, हिना प्रियांक ये लोग बैठ के, लव ममास बॉय, वन एंड ओनली आकाश, एक एश, यस। ओके एंड डांसर, सपना, पिछले साल डांसर मैं। थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट हितेन जी। सिंगर हिना। वही रूम की बात करें हम तो ये मुझे एरिया काफी, हाँ प्लीज आइए ना, अभी देखिए ना कितना अच्छा सनसेट भी है। यार ये बहुत ही ज्यादा प्यारी, मतलब ये तो मेरा फेवरेट स्पेस बन गया अब आपके घर में। हाँ देखिए ना, मतलब चारों तरफ आप जब भी आईज घुमाऊँ तो आपको बहुत ही अच्छा एक फीलिंग मिलेगा, क्लियर व्यू, और यहाँ पे कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, आगे जाके भी नहीं होने वाला है। अच्छा आपने ड्रेसेस की बात की, आपको वार्डरोब बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, आई एम सो एक्साइटेड टू सी योर वार्डरोब, बट आई थिंक इट्स मेस्ड अप, बट स्टिल आई विल शो यू। क्लीन वाले अच्छे नहीं लगते, चलिए।
ये है मेरा वार्डरोब। ये पूरा आपका है? नहीं, पूरा मेरा नहीं है, ये दो मेरा है और एक विक्रांत का है। और शॉपिंग में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो तो हर कोई लड़की पसंद करती है, मतलब इट्स नथिंग न्यू। तो ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरा वार्डरोब। थोड़ा सा मेस्ड अप है, बट प्लीज डोंट माइंड। इसे आप मेस्ड अप कहोगे? हाँ, मतलब देखो ना कैसे रख दिया है अभी, बस ये। ओके, इसमें से अगर मैं आपको कहूँ आपके फाइव बेस्ट या तो फेवरेट ड्रेसेस कौन से होंगे? फेवरेट तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट मैं बिग बॉस में जो बहुत ज़्यादा पहनती थी वो मैं दिखा सकती हूँ। इसमें इसमें भी है और इसमें भी है, पहले यहाँ का दिखाती हूँ। ये मैं बहुत पहनती थी, दिस ब्लैक ड्रेस। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी, मतलब इसी ड्रेस में मैं जब इंटरव्यू देने गई थी बिग बॉस का फर्स्ट टाइम, तो यही ड्रेस, तो दिस ड्रेस वॉज वेरी लकी, तो मैं ये पहनी थी फॉर एवर न्यू। और ये मेरे लिए, मैं लेके नहीं गई थी, बाद में आया था। और इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था मेरा प्रियंका जग्गा के साथ, हाँ, जब मुझे वो मतलब बहुत सुना रही थी उल्टा पुल्टा। और ये एक ड्रेस है जो मैंने बिग बॉस फिनाले के दिन पहनी थी, हाँ, सलमान सर के सामने और सभी के सामने। हाँ। तो और बाकी इसमें भी कुछ है, ये एक टी शर्ट है जिसमें एंड के टाइम पे एक टास्क आया था और जिसमें बहुत फाइट भी हुआ था लोपा एंड बानी में, वो वाला ये है एक। और ये है बहुत क्यूट सा, फनी सा, ऐसा आधा ही आता है इतना ही। अगेन ऑरेंज, डिफरेंट शेड ऑफ ऑरेंज, ठीक है। ये पहन के मैं बहुत ज़्यादा खाना वाना बनाती थी बिग बॉस हाउस में, तो ये भी एक यादगार है। और खाने से मुझे याद है, बहुत ज्यादा भूख लगी है अब। ओह गॉड, हाँ, सीरियसली इतनी बातें कर रहे थे और इतना सब दिखाते दिखाते ये भूल गई। जल्दी से चलते हैं, कुछ मजे से कुछ अच्छा सा कुछ बनाती हूँ एंड आपको खिलाती हूँ मैं, कुछ स्पेशल बना के। आइए, ये है मेरा किचन। Nice. और यहाँ आते ही मुझे भूख लगने लगी है। क्या खा रहे हैं आप, क्या बना रहे हो? मैं बोल रही हूँ, मैं देखिए, मैं इतना अच्छा कुक तो हूँ नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, सब लोगों ने देखा है, बिग बॉस में भी देखा है। तो मैं थोड़ा सा एक पैनकेक ट्राई कर रही हूँ। हाँ, ये मिक्स ऑलरेडी है, बनाया हुआ है, तो आई जस्ट हैव टू कुक। वैसे ये किचन में, लेट मी टेल यू ऑल, सारी चीजें जो है वो क्या डाइट को लेकर है ना, हाँ, मिल्क हो वो भी स्लिम, हाँ, क्योंकि सबको बताया मैं कितनी हेल्दी थी पहले, तो अभी जब लूज हुई हूँ तो आई शुड मेंटेन। एंड विक्रांत इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू नो हेल्थ, इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, इतना जिम करता है और जो प्रोटीन एंड ऑल जितना भी बाहर है सब उसके ही है। राउंड भी हुआ है, कोई मैप नहीं बना। हाँ, आई थिंक पैनकेक इज रेडी नाउ, रियली, एंड आई कांट वेट। यस, सो डन। तो इसके ऊपर अभी गार्निशिंग थोड़ा कर लेते हैं। तो मैं होती तो मैं तो बहुत ज्यादा, मैं हनी पसंद करती हूँ, तो मैं हनी ज्यादा डालती हूँ। मैं भी पसंद करती हूँ, आप बिंदास डालो। अच्छा, और मैंने खत्म नहीं किया। और सिरप्स, अगर घर पे होते हम सिरप्स वगैरह इतना कैलोरीज इंटेक नहीं करते हैं, चॉकलेट सिरप वगैरह होता तो और अच्छा होता। तो आप अभी नहीं है, ये डाइट पैनकेक्स है। हाँ, मतलब लुक वाइज तो अच्छा ही लग रहा है, लुक वाइज अच्छा लग रहा है, स्मेल इतनी प्यारी है। सो लेट्स गो एंड हैव, या आई कांट वेट। चलो, तो आओ मेरे डाइनिंग स्पेस पे। तो आइए, मैं आप लोगों के लिए कैंडल लिट पैनकेक डिनर की तैयारी की। वाओ, यार इससे ज्यादा अमेजिंग ब्रेकफास्ट मेरे लिए नहीं हो सकता। यू फर्स्ट।
और अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले आप खाओ और बताओ। मेल्ट हो गया बिल्कुल मैं। थैंक यू। बहुत यम्मी है। इट्स नाइस। और मैं बिल्कुल आपकी बात पे ये यकीन नहीं करूंगी कि आप खाना, आपको खाना बनाना नहीं आता। बहुत ज्यादा मजा आया मोनालिसा, लेट मी टेल यू, ये अमेजिंग सा पैनकेक। थैंक यू। एंड योर हाउस इज सो प्रिटी, एकदम पॉजिटिव वाइब्स जैसे कि आपने भी कहा वो आ रहे थे। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार आ रही हूँ इस घर में। मतलब बिग बॉस हाउस में आपको जैसे देखा था बिल्कुल वैसे ही हो, आप उतने ही प्यारे हो। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और मुझे मौका मिला आप लोगों की मतलब मेहमान नवाजी करने। बहुत मजा आया मोनालिसा, इतना पेट भर के खाना खाया और आपका घर देखकर ही बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच, ये मेहमान नवाजी मैं कभी नहीं भूली। ब्लेस, थैंक यू सो मच। मैं भी पहली बार पैनकेक बनाई हूँ, वो भी आप ही ने बताई। ओके, सो क्योंकि आपने हमारी इतनी अच्छे से मेहमान नवाजी की, इतना प्यार दिया हमें, इतना प्यारा सा स्वागत किया हमारा, आई हैव समथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। अच्छा तो वो वाला जो था वो नकली था, ये है। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। या मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि क्या है इसमें। लेट मी सी, ऐसे ऐसे फाड़ दूंगी। ये तो बिल्कुल मेरे लिए है। हाँ क्योंकि आप इतना डाइट कर रहे हैं, वही इसीलिए। सो इट्स अ ग्राइंडर प्लस ब्लेंडर। यस, थैंक यू सो मच। ये तो मेरे शूट पे भी मैं लेके जा सकती हूँ। इजीली आई कैन मेक माय जूसेस एंड ऑल। अभी मेरे बॉय का काम कम हो जाएगा। सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू चिली मसाला। Lovely. I'm feeling so happy. Thank you. Thank you so much. And good luck to you. Thank you. Thank you.